हाँ राज बोल रहा हूं। कब आए आप? बस अभी अभी। हाँ अभी लौटा, सोचा आपसे बात कर लो। अच्छा किया। कैसा रहा आपका फॉरेन ट्रिप? फैंटास्टिक, जस्ट माइंड ब्लोइंग। करण के तकरीबन सारे डीलर्स, सारे एजेंट्स को भड़काने में मैं कामयाब हूं। मिस्टर लंकेश, हमारे लिए एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना बिजनेस इमीडिएटली शुरू करें तो आई एश्योर यू के इंटरनेशनल तबाह हो सकती है। राज, राज एक कंपनी को फ्लोट करो। दैट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ आइडिया। इट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। मैं उस कंपनी को फाइनेंस करूंगा, उस कंपनी को चलाएंगे तुम और मोना। लवली, एक्सीलेंट। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और मुझे फोन करो। या थैंक यू, बाय। देखा, इसे कहते हैं दौड़ दो पांच नहीं सांच को आज नहीं। मार दिया ना पापड़ वाले को। मेरा सपना पूरा हो गया राज। मैं ना कहती थी सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। करेक्ट योर सेल्फ मोना। क्यों? ये काम सब्र से नहीं, अकल से हुआ है। आ। चलो भाई, ये काम तो पूरा हो गया। करण और लंकेश के झगड़े में हमें फायदा हो गया। अब सोचना है कि इस कंपनी से हम मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं। क्या मतलब मोना? इस कंपनी को फ्लोट करने के पीछे लंकेश का एक मकसद है, करण को खत्म करने का। वो तो हो जाएगा, लेकिन हमें लंकेश से चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे भी बेईमानी कर सकता है। बात तो ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता कि लंकेश हमारे साथ ऐसा करेगा। लंकेश किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम तो खैर कुछ भी नहीं। इसलिए इस कंपनी से मैक्सिमम रुपया निकालकर हमें अपना बेस स्ट्रांग कर देना चाहिए, ताकि कल अगर लंकेश ने हमारे साथ धोखा किया भी तो हमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस यही कि पासा उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए कहता हूं दो और दो पांच नहीं सांच को आंच नहीं। मौके का फायदा उठाओ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जैसा करण है वैसा लंकेश, इन दोनों के झगड़े का मैक्सिमम फायदा उठा लेना चाहिए हमें। कहीं ऐसा ना हो इन दोनों के साथ साथ हम भी बर्बाद हो जाए। यू आर करेक्ट। आई एम ऑलवेज करेक्ट सिराज। हमें सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी चाहिए। वही तो कर रहा हूं। के इंटरनेशनल के सामने राज इंटरनेशनल को खड़ा कर। क्या तुम इस कंपनी का नाम राज इंटरनेशनल रखोगे? क्यों नहीं, इट्स माय अचीवमेंट। ओह, जैसे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इसमें। अरे भाई, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, तभी तो तुम पार्टनर हो। लेकिन राज इंटरनेशनल नाम सूट नहीं करता है। अरे वाह, इतना अच्छा नाम है राज इंटरनेशनल। उसमें कुछ दम नहीं है, कुछ फड़कता हुआ नाम होना चाहिए, फड़कता। अरे इससे फड़कता हुआ नाम और क्या मिलेगा? राज इंटरनेशनल। ठीक है, तुम्हें राज इंटरनेशनल नाम रखना है ना तो रखो, लेकिन मैं इसमें पार्टनर नहीं बनूंगी। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराज ना हो तो और क्या करूं? मैं तुम्हारी सब बातें मानती हूँ, और तुम हो कि मेरी एक बात तक नहीं मानते। दूसरे लोग देखो अपनी बीवियों के लिए क्या कुछ नहीं करते। ऑलराइट, तुम क्या नाम सजेस्ट करती हो बताओ? मेरे ख्याल से तो कंपनी का नाम होना चाहिए मोना एंड मोना। एक मोना को जेल नहीं सकता, दो मोना सर पे। नहीं नहीं, मोना और मोना ठीक है। करण कपूर, हेलो। ये कोई गंगाजल नहीं है जिसमें नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाए। तुम्हारे पाप तो राज गंगा स्नान करने के बाद भी नहीं धुलेंगे, बल्कि तुम्हारी डुबकी लगाने से गंगा भी मैली हो जाएगी। एनीवे, आई एम ग्लैड यू बैक। यस, आई एम बैक, एंड यू बी अवेयर बिकॉज़ आई मे स्ट्राइक। तू मजाक करते हो राज, तुम्हारे इस सुपर जोक से मुझे हंसी नहीं आती। तुम क्या समझते हो, कुछ दो चार डीलर्स को अपनी तरफ करके तुमने बाजी जीत ली? राज, अफसोस की बात है,
इतने साल मेरे साथ रहने के बाद भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए। राज, मुझे तुम पर तरस आता है। नथिंग एल्स। तरस तो तुम्हें अपने आप पर आएगा करण, पछताओगे तुम अपने किए पर पछताओगे। उस वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं रहेगा। भाई मैं आऊंगा, उस वक्त तुम्हें दिलासा देने जरूर आऊंगा। आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा राज, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी इस छोटी सी जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। फिर भी पुराने रिश्ते के नाते मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम करण? वही जिसकी तुमने कोई इज्जत नहीं रखी। अरे वही तो रिश्ता है जो मुझे कुछ करने से रोकता है, वरना अपनी बेइज्जत का बदला तुम्हारी जान लेकर करता। तुम ऐसा नहीं कर सकते राज। एंड डू यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर अ कावर्ड। तुम बुजदिल हो। जिस कुत्ते को फेंकी हुई हड्डी खाने की आदत पड़ जाए वो अपना शिकार नहीं कर सकता। गो गो लंकेश के पास जाओ, उसके दरवाजे पे जाके पहरा दो। अगर उसने भी अपना पट्टा खोल दिया तुम गली गली एक आवारा कुत्ते की तरह नजर आओगे। जाओ गो। करण कपूर, सड़कों पे तो तुम आवारा घूमोगे और ये तुम्हारी तकदीर के पन्नों पर मैं लिखूंगा। दिन में सपने देखना बंद कर दो राज, कहीं ऐसा ना हो कि सपने देखते देखते तुम भी सपनों के साथ टूट जाओ। जाओ, मैं तुम्हें पूरी खुली छूट देता हूं, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से हाथी पर कोई असर नहीं होता। मैं कुत्ता नहीं हूं करण कपूर, मैं वो चींटी हूं जो तुम जैसे हाथी को पागल करके मार देगी। उस कमीने ने मुझे कुत्ता कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ बिगड़ने से क्या फायदा? बिगड़ना था तो वहीं बिगड़ते, दो हाथ लगा देते उसे। वही करने वाला था, लेकिन मेरी बहन सुमन का चेहरा सामने आ गया। बड़ा प्यार है अपनी सौतेली बहन से। राज, तुम एक सेंटिमेंटल फूल हो और कुछ नहीं। इनफ इनफ, मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़ो तो ही अच्छा है। जख्मों पर तो नमक उसके छिड़का जाता है राज, जिसे जलन का एहसास हो। तुम्हें एहसास तक नहीं रहा राज? मोना, चिल्लाओ मत। जहां चिल्लाना चाहिए था वहां तो चिल्लाते नहीं। गरीब पर चिल्लाते हो? एक्चुअली करण की दी हुई जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो किसने कहा था उसके मुंह लगने के लिए? एक तो तुम होश से काम करते नहीं, और ऊपर से कुछ उल्टा हो जाता है तो खुद पर गुस्सा होते हो या मुझ पर? और क्या करूं? वक्त का इंतजार। डिप्लोमेटिक बनो राज, वरना ये लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। इस वक्त सिर्फ तुम अपनी कंपनी की तरफ ध्यान दो। एक बार हमारी कंपनी खड़ी हो गई ना तो करण खुद तिल मिला उठेगा। करण की कोई ऐसी दुख दिल आपको तो तेज बुखार है, दवाई बहुत पहले लेनी चाहिए थी। कुछ हो जाता तो क्या होता डॉक्टर साहब? मौत ही आ जाती ना। कम से कम एक डॉक्टर के सामने तो आप मरने की बातें ना करें। ये मौत ही तो है जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। दुश्मन तो है, कभी कभी किसी के लिए दोस्त भी बन जाती है। अच्छा अच्छा, बातें ना करें। मैं आपको कुछ टैबलेट्स लिख के देता हूँ, इन्हें जरूर ले लीजिएगा। लेकिन आपके बातों से कुछ लगता है कि आप ये टैबलेट्स खाएंगी नहीं? जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता ना डॉक्टर साहब, तो नहीं खाती। अपनी जिंदा लाश को मौत के हवाले कर चुकी होती। मैंने कहा ना आपसे, मरने की बात आप मेरे सामने नहीं करें। वैसे मिस निशी, आप क्या इस घर में अकेले रहती हैं? अकेलापन भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है। यही तो आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। जिंदगी बहुत हसीन है, इसका दूसरा रुख भी देखना चाहिए। सारे रुख देख लिए डॉक्टर, अब कुछ नहीं बचा। अब भी बहुत कुछ है देखने के लिए, बिलीव मी। मैं ये तो नहीं जानता मिस निशी कि आप पे क्या गुजर रही है, आपको क्या गम है।
लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि दुनिया के हर इंसान के सीने में गम है। हाँ, यह बात और है कि कुछ लोगों के हिस्से में गम ज्यादा है, कुछ लोगों के हिस्से में गम कम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान गम से मुंह मोड़ के मौत को गले लगा ले। ये कायरता है और मैं नहीं समझता कि आप कायर हैं। ये टैबलेट्स मैं आपको देता हूं, इन्हें जरूर ले लीजिएगा अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो। और हां, एक बात कहूं, अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई साथी जरूर तलाश कर लें आप। मशवरा है मेरा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। तुम नहीं समझोगे डॉक्टर, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। तबीयत ठीक है? बहुत अच्छी हूँ। हाँ। कैसी लग रही हूँ? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हाँ हाँ, बस बस ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक सरप्राइज है। अब क्या लाए हो? आंखें बंद करो। नहीं, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, जल्दी। चलो ठीक है, जल्दी दिखाओ। आजा, आंखें खोल दो। अरे सोनिया, सोनिया माय हाई होम। सोनिया निशी मेरी बहन। हेलो हेलो, आओ ना, बैठो ना। हाँ हाँ, अंदर आओ। मोस्ट वेलकम। टन आइए जनाब, तशरीफ रखिए। और कुछ और कुछ उर्दू में बैठिए। तुम मेरी बहन हो, तुम्हें कहना चाहिए सोनिया, तुम्हारी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। कुछ लोगों को अपने बारे में काफी गलतफहमी होती है। हाँ सोनिया, मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ। एक्सक्यूज मी, ये क्या कम थी मेरी खिंचाई के लिए कि तुम भी इससे मिल गई हो? अरे तुम्हारी खिंचाई नहीं करते तो इतने लंबे कैसे होते तुम? लेकिन दुख तो इस बात का है कि अकल घुटनों में रह गई। सोनिया बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ, अभी आई। ओके, तो कैसी लगी हमारी बहन? बहुत अच्छी, लेकिन कपिल मुझे ऐसा लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। देखा तो देखा होगा यार, किसी पार्टी में, किसी सिनेमा में देखा होगा। उसमें क्या, मैंने इन्हें पता नहीं कहीं और ही देखा है। Come on, relax यार, देखा। आई आई आई। सोनिया लो मुंह मीठा कर लो। बस बस बस, अरे हाँ, मेरा मुंह कौन मीठा करेगा? अब तुम्हें मेरे हाथ का खाना थोड़ी ही ना अच्छा लगेगा। हा? अब तो तुम्हें सोनिया के हाथ का खाना अच्छा लगेगा। सोनिया खिला दो मुझे। देखो खुश। तुम लोग सोनिया? नहीं बस। निशी मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। शायद। ये बताओ तुम्हारे घर पे कौन कौन है? बताया था ना आपको, ये अपने भैया और भाभी के साथ रहती है। मैं इनसे पूछ रही हूँ। ओके, अच्छा तो आप बताइए। मैं अपने भैया और भाभी के साथ यहीं रहती हूँ। सुने ये बताओ तुम करती क्या? मैं खिगे इंटरनेशनल में जीएम हूँ। दैट्स ग्रेट, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी की जीएम होना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। निशी, आप निशी करेक्ट, आप केके इंटरनेशनल में पीआरओ थी? हाँ थी, कुछ महीनों के लिए। अब याद आया, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा था वहां पर। आपके कुछ महीनों की तनख्वाह भी हमारे पास बैलेंस है। होगी? होगी नहीं है, आप प्लीज आके उसे कलेक्ट कर लीजिए। कपिल, इजंट इट अ स्मॉल वर्ल्ड? मैं इतने दिनों से इनके तलाश में थी और आज यहाँ तुम्हारी बहन निकली। Yeah, it is a small world. I don't believe this. सोनिया तुम लो ना, तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। नहीं नहीं निशी, मैं अब ऑफिस जाऊंगी, बहुत देर हो गई। आपका some important work there. Okay? हम लोग तो ठीक तरह से बातें भी नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अब तो मैंने ये घर देख लिया है, आती जाती रहूंगी, है ना कपिल? ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम यही रुक जाओ। नहीं, I'll come with you. मुझे कुछ काम है। ओके चलो। ओके निशी, बाय। ओके।
कपिल, जरूर आना दोबारा। बाय निशी, बाय। क्या बात है कपिल, बत्तियां क्यों बुझा रखी हैं? इन बत्तियों की रोशनी में इंसान के अंदर का अंधेरा कम नहीं होता निशी, खास करके तब जब कोई अपना ही अंधेरों को बढ़ा दे। I'm sorry कपिल। किस बात की सॉरी? मैंने तुमसे यह बात छिपाई रखी कि मैं क्योंकि इंटरनेशनल में नौकरी करती थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने ये बात क्यों छुपाई? यूं ही कोई बात नहीं छुपाई जाती निशी, बात तब छुपाई जाती है जब बात खुलने का इंसान को डर होता हो, उसे डर होता हो कि बात खुल जाएगी तो वो रुस्वा हो जाएगा या बदनाम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कपिल। ऐसा ही है निशी, वरना तुम मुझे यह बात पहले भी बोल सकती थी। क्यों निशी, निशी मुझे बताओ तुम्हारा करण कपूर के साथ क्या रिश्ता है? कपिल मेरा कोई रिश्ता नहीं है। झूठ बोलती हो तुम निशी, झूठ बोलती हो तुम। देखो मैंने खुद करण कपूर को तुम्हारे घर पे आते देखा है। कपिल प्लीज मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो जिनका मैं तुम्हें जवाब न दे सकूं। निशी ये तुम्हारा भाई है निशी, देखो अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो बताओ तुम्हारे और उसके बीच में क्या है। मेरा इतना बड़ा इम्तिहान मत लो कपिल प्लीज। निशी रो मत निशी, देखो मैं तुम्हें यूं घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। निशी मैं तुम्हारे घुटन का राज जानना चाहता हूँ, अपना गम बांटो मेरे साथ। निशी मुझे बताओ उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता? नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, प्लीज कुछ मत पूछो मुझसे। करण कपूर एक शादीशुदा इंसान है, उनका एक परिवार है, खुश है वो। उनके बारे में तुम्हें कुछ बताकर मैं गलतफहमी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। तुम्हें मेरी कसम है कपिल, आइंदा मुझे तुम उनके बारे में कुछ नहीं पूछोगे। For God's sake, मुझे तुम कुछ नहीं पूछोगे। हेलो मिस्टर करण कपूर, कपिल मेहरा बोल रहा हूँ। हाँ कपिल बोलो। मुझे आपसे मिलना है मिस्टर करण कपूर। तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाओ शाम को। मिस्टर करण कपूर मैं समझता हूँ कि आप अपनी ऑफिस में अपने स्टाफ के सामने खास तौर पे अपनी बहन के सामने रुस्वा होना पसंद नहीं करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? कल शाम मुझे आप अलगाफिया में मिलिए, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। गुड बाय। लड़का